ईश्वर पर आधारित सदुपदेश। और रात्रि के समय आकाश मंडल में असंख्य तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, किंतु सूर्योदय होने पर एक भी तारा दिखाई नहीं देता। तो क्या यह कह सकते हैं कि दिन में तारे नहीं रहते? अतएव है मनुष्य, अज्ञानवश परमात्मा को न देख सकने के कारण उसके अस्तित्व में संदेह मत करो। समुद्र में मोती अवश्य रहते हैं, किंतु वे परिश्रम के बिना नहीं मिलते। इसी प्रकार संसार में ईश्वर विद्यमान रहने पर भी बिना प्रयास के नहीं मिलता। भगवान सबके भीतर कैसे विराजते हैं? जैसे चिक के भीतर बड़े घरों की स्त्रियां, वे तो सबको देखती हैं, किंतु उनको कोई नहीं देख पाता। इसी प्रकार भगवान है, वे तो सबको देखते हैं, किंतु उनको कोई नहीं देखता। कर्ता के बिना कर्म नहीं होता। जब हम किसी निर्जन स्थान में देवादि की मूर्ति देखते हैं, तब वहां मूर्ति निर्माता के उपस्थित न रहने पर भी हमें उसके अस्तित्व की अनुमति हो जाती है। उसी प्रकार इस विश्व को देखकर उसके निर्माता यानी ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान होता है। दूध में मक्खन रहता है, किंतु अज्ञान बालकों को उसका ज्ञान नहीं रहता। तो क्या इसीलिए कह सकते हैं कि दूध में मक्खन ही नहीं होता? साकार और निराकार अंतर जल और बर्फ के समान है। जल जब जमकर बर्फ बन जाता है तब वह साकार, और जब वह खलकर पानी हो जाता है तब निराकार हो जाता है। जो निराकार है वही साकार हो जाता है। जैसे महासागर में अनंत जल भरा रहता है, किंतु वही जल कहीं कहीं अधिक ठंड पाकर जम जाता है। उसी प्रकार भगवान भक्त के भक्ति हिम से साकार रूप धारण करते हैं। फिर सूर्योदय होने पर जिस प्रकार बर्फ पिघल कर पहले के समान जल का जल हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान सूर्य के उदय होने पर साकार रूप मिट जाता है और निराकार रह जाता है। शक्ति के बिना ब्रह्म की पहचान नहीं होती, अथवा यूं कहना चाहिए कि शक्ति के द्वारा ही ब्रह्म का अस्तित्व जाना जाता है। बगीचे में जब कोई फूल खिलता है तब उसकी सुगंधि चारों ओर फैलकर उसका समाचार पहुंचाती है। उसी प्रकार शक्ति रूपी सौरभ पुष्प रूपी ब्रह्म का ज्ञान कराता है। ब्रह्म और शक्ति एक ही वस्तु है। जब ब्रह्म निष्क्रिय अवस्था में रहता है तब उसे शुद्ध ब्रह्म कहते हैं, और जब वह सृष्टि स्थिति प्रलय आदि करता है तब उसे शक्ति कहते हैं। अग्नि कहने से क्या बोध होता है? वर्ण दाहिका शक्ति और उत्ताप, इन सब की समष्टि को अग्नि कहते हैं। उसी प्रकार अनंत शक्तियों की समष्टि को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म और शक्ति पृथक नहीं है। ईश्वर एक है, किंतु उसके रूप अनंत है, जैसे बहुरूपी गिरगट। गिरगट समय समय पर अनेक रंग बदला करता है। कभी वह लाल हो जाता है, कभी पीला, और कभी अन्य ही रंग का। कोई उसे किसी रंग का देखता है और कोई किसी रंग का। यदि ये सब लोग मिलकर उसकी चर्चा करें तो कोई उसे लाल रंग का बतलाएगा और कोई पीले या अन्य रंग का। जिसने उसके जिस रंग को देखा होगा वो उसके बारे में बताएगा, वह उसी रंग को सच मानेगा। किंतु जो गिरगट के सब रूपों को जानता होगा वह कहेगा कि तुम सबका कहना सच है, गिरगट लाल भी होता है, पीला भी होता है और अन्य रंग का भी। इसी प्रकार परमेश्वर के भी अनेक रूप हैं। वो भक्त जिसने परमात्मा का एक ही रूप देखा है उसके उसी रूप को सत्य मानता है, किंतु जो उसके अनंत रूपों को ज्ञाता है वो कह सकता है कि ये सब रूप उसी परमात्मा के हैं। तो दोस्तों, ये थे स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी के ईश्वर के प्रति जो सब उपदेश थे।